ना समझे पढ़ना जैसे एवरेस्ट चढ़ना अकेले जंग लड़ना I can't take it अब वेदांतु देगा प्रॉब्लम से छुटकारा समझ आएगा तो मजा आएगा तो समझ आएगा मिस टीचर्स के गाइडेंस में पढ़ना इजीयर होगा एग्जाम में होल लाइफ अब से हर स्टूडेंट विनर होगा समझ आएगा तो मजा आएगा तो वेदांतु लर्न लाइव ऑनलाइन टू अटेंड अ फ्री लाइव क्लास डाउनलोड द ऐप नाउ Hello everyone, I'm back with another Guru Mantra that is NEET Mantra जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम छोटे छोटे लेक्चर्स में आपको बहुत कुछ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं एंड आपका बहुत जबरदस्त रिविजन कराते हैं ठीक है सो आर यू गाइज रेडी फॉर दिस राइट इन द चैट बॉक्स विद फुल जोश गाइज से यस इन द चैट बॉक्स यस चलो आज का हमारा टॉपिक है NEET Mantra में कैंसर यस यू नो व्हाई कैंसर इज सो इम्पोर्टेंट आज का ये कैंसर टॉपिक इतना जरूरी क्यों हो गया क्योंकि गाइस यू नो मोस्ट ऑफ द डेथ जितनी भी आजकल मृत्यु हो रही है उनका एक सबसे बड़ा कारण है कैंसर तो इसलिए अगर हम देखें तो कैंसर पढ़ना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि हम क्या बनने वाले गाइस डॉक्टर राइट तो डॉक्टर क्या करता है इलाज और इलाज करना किसका है मेजरली आपको कैंसर का तो आज हम यही टॉपिक डिस्कस करते हैं जो बहुत जरूरी है आपके लिए ठीक है सो लेट अस स्टार्ट विद द कैंसर टॉपिक गाइस ओके हमारा परिवार है हमारा वेदांतु नीट मेरी जी चैनल जहां पे आपको हर एक वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना है गाइस सब्सक्राइब क्यों करना है क्योंकि हक से आओ इस चैनल पर मेहमान बन के मत आओ हक से आओ और उस बटन को दबा दो बस इतना सा छोटे छोटे मंत्र जानने हैं तो आना तो पड़ेगा गाइस राइट यस And अगर जितने भी नोटिफिकेशन अपडेट्स चाहिए आपको रिगार्डिंग द वेदांतु नीट मेड इजी चैनल तो हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम है ये जिसका लिंक है ये टेलीग्राम ग्रुप डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप ठीक है एक बात मान लो मैम की एक छोटी सी बात राइट यस चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर व्हाट इज कैंसर कैंसर होता क्या है बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम समझे इस शब्द को ये कैंसर शब्द है क्या कैंसर होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन यानी कि जब सेल डिविजन पे आपकी बॉडी का नियंत्रण ना रहे उसको कहते हैं कैंसर यानी इतना ज्यादा सेल ग्रोथ होगा कि वो पूरा का पूरा ग्रो करता जाएगा साइज में जब वो साइज में ग्रो करता जाएगा तो वो दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी फैलता जाएगा ठीक है और तब हम कहेंगे कि इंसान को कैंसर हो चुका है यस ठीक है तो जो बेटा ये अनकंट्रोल ग्रोथ होती है सेल्स की इसे कहते हैं कैंसर और ये पहचानते कैसे क्योंकि इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनिबिशन वो खत्म हो जाती है अब कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्या होता है मान लो कि मेरे पास एक पेट्री डिश है दिस इज माई पेट्री डिश इसमें मैंने सेल ग्रो करना शुरू किया जब वो सेल आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ग्रोथ रुक जाती है बट कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता है वो डिवाइड करते जाते ग्रो करते जा रहे जिसके कारण क्या होता जा रहा है कैंसर क्या होता जा रहा है कैंसर तो सबसे पहली चीज क्या है कैंसर सेल्स वो होते हैं जो प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटास्टेसिस एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन जाना इज कॉल्ड मेटास्टेसिस ठीक है दूसरी चीज क्या है गाइस इनके पास कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है दे डू नॉट इनिबिट कॉन्टैक्ट इनिबिशन प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है चलो अब आगे जानते हैं इसको और डिटेल्स में गाइस यस दिस इज हाउ यू नीड टू स्टडी कैंसर कैसे हो रहा है ठीक है यहां देखो कैंसर सेल्स डिवाइडिंग यहां देखो ये सारे सेल्स आपस में कॉन्टैक्ट में आके रुक गए हैं ग्रोथ इनकी रुक गई है कॉन्टैक्ट इनिबिशन है ठीक है बट यहां पे आप देखो सेल्स ग्रो करते जा रहे हैं लाइक अ ट्यूमर ठीक है जब ये ट्यूमर सेल्स ग्रो करते जा रहे विदाउट एनी कंट्रोल तो देखो यहां से कुछ सेल्स निकल गए जो ये सेल निकला दे विल ट्रेवल थ्रू ब्लड वेसल्स ये वाला कैंसर सेल विल नाउ एंटर इनटू ब्लड वेसल और ब्लड वेसल के जरिए ये पहुंच जाएंगे दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में जब ये दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में जाएंगे
तो होगा कैंसर। और इसी प्रॉपर्टी को गाइस क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। इसी प्रॉपर्टी को गाइस क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। ओके नेक्स्ट, द बिगनिंग ऑफ कैंसर, कहानी शुरू कहां से हुई, ठीक है, बाहुबली द बिगनिंग, यस दैट इज अ ट्रिक। ओके नाउ ये कहानी शुरू कहां से होती है, देखो बड़े ध्यान से देखना है, ये एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, यहां से बिगनिंग ऑफ कैंसर शुरू हो रही है। ये जो नॉर्मल सेल है ये एबनॉर्मल हो गया है। अब आप मुझसे पूछोगे मैम नॉर्मल सेल एबनॉर्मल कैसे हो गया अपने आप मर्जी से, उसकी मर्जी थोड़ी चल रही है। ये इसलिए एबनॉर्मल हो गया है क्योंकि इसका पहला कारण हो सकता है म्यूटेशन। पहला कारण क्या हो सकता है, म्यूटेशन, ठीक है, ऐसी म्यूटेशंस जो कैंसर कर सकती हैं। दूसरा हो सकता है ओंको वायरसेस, वो वायरसेस जो कैंसर सेल्स को जगा देती है। तीसरा हो सकता है केमिकल्स, यस ऐसे केमिकल्स जो बनाते हैं कैंसर, लाइक एफ्लाटॉक्सिन्स जो आते हैं फंगस से, जो फंगस लगी हुई हरी हरी फंगस लगी हुई ब्रेड खाते हैं ना, वो पास जा रहे किसकी, कैंसर के। यस अब ये नॉर्मल सेल बन गया है एबनॉर्मल, अब ये किसी की बात नहीं सुनेगा, इसने शुरू कर दिया बगावत। यस बगावत जब इसने शुरू की तो इसने अपनी पार्टी का साइज बड़ा कर लिया, ठीक है, ये थी एक नॉर्मल पार्टी। पार्टी में एक बंदे ने की बगावत क्योंकि उसे भड़काया दूसरे लोगों ने। जब पार्टी में बगावत शुरू हुई तो बाकी सबने उसका साथ देना शुरू किया तो उसका साइज बढ़ता चला गया। जब उसका साइज बढ़ा तो वो बगावत और जगह भी फैलने लगी, ठीक है, किसके जरिए फैलने लगी, ब्लड वेसल्स। तो यहां पर नई ब्लड वेसल्स बनानी थी, उन नई ब्लड वेसल्स की बनने की प्रोसेस को कहते हैं एंजियोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एज एंजियोजेनेसिस। एब्सोल्युटली क्लियर गाइस, सुपर डुपर क्लियर, मक्खन क्लियर, सबको स्टोरी बिल्कुल समझ में आ रही है, पक्का, राइट इन द चैट बॉक्स। नाउ नेक्स्ट, यस नाउ यू कैन सी कैंसर टाइप्स। नाउ देयर आर लॉट ऑफ कैंसर टाइप्स, कि कैंसर हुआ कहां पे है। फर्स्ट आर कार्सिनोमास, सबसे पहले कार्सिनोमास यानी कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सबसे ज्यादा कॉमन जो टाइप के कैंसर होते हैं वो होते हैं कार्सिनोमास, ठीक है, सबसे ज्यादा टाइप के। फिर आते हैं सार्कोमास जो कनेक्टिव टिश्यू का होता है, लाइक बोन एंड कार्टिलेज। फिर आते हैं लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, हीमोपोएटिक टिश्यू का, जैसे लिम्फ नोड्स और ब्लड सेल्स, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ ब्लड सेल्स इंक्रीजेस और WBCs increases during lymphoma, ठीक है, yes। Next, we have two type of tumors, ये आपको पता है NCERT में बहुत clearly दिया हुआ है, so let us know about these type of two tumors, benign and malignant। benign and malignant, benign वो होते हैं जो अपनी जगह पे ही चिपके रहते हैं, इन्हें घूमना फिरना पसंद नहीं है। वहीं malignant वो होते हैं जो आसपास की जगहों पे घूमने निकलते हैं। इस घूमने की प्रोसेस को कहते हैं मेटास्टेसिस। क्या कहते हैं गाइस इसको, मेटास्टेसिस। ये डेंजरस नहीं होते हैं और इन्हें सर्जिकली रिमूव भी किया जा सकता है, सर्जिकली रिमूवल पॉसिबल है, जैसे कि वॉट्स, मस्से, एग्जाम्पल है वॉट्स, मस्से, ठीक है। दूसरा है फिर आपका मेलिग्नेंट जो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, आपके बॉडी का सारा न्यूट्रिशन खा रहा है, मेटास्टेसिस कर रहा है, इन्हें ही ट्रू कैंसर्स कहते हैं, इन्हें ही ट्रू कैंसर कहते हैं। एब्सोल्यूटली सुपर क्लियर टू एवरीवन, यू कैन टेल मी गाइस। नेक्स्ट नाउ कार्सिनोजन, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कार्सिनोजन होते क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन है कार्सिनोजन यानी कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, एब्सोल्यूटली इन्हें कहते हैं कार्सिनोजन। तीन कैटेगरी लिखे हैं मैंने, फिजिकल, फिजिकल में आता है आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे, गामा रेज। नॉन आयनाइजिंग में आती है आपकी यूवी रेज। फिर आता है आपके डैमेज लाइक चेंज डीएनए, ठीक है, डीएनए चेंज हो जाना, ठीक है। फिर आते हैं केमिकल्स इन टोबैको, टोबैको आपको पता है मुकेश सब जानते हैं कि हर स्टार, हर एक मूवी से पहले मुकेश आता है, हु इज द स्टार ऑफ एवरी थिएटर, राइट, यस। मुकेश गुटखा खाता था जिसके कारण उसे कैंसर हो गया था, ऐसे स्मोकिंग से भी होता है क्योंकि उसमें टोबैको होता है। द नेक्स्ट केमिकल कैन बी अ मस्टर्ड गैस ऑल्सो, मस्टर्ड गैस। इसके अलावा हो सकता है एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन। फिर आता है टार,
वो आता है ना, एक साल में जितनी आपने सिगरेट पी है अपने लंग्स को निचोड़ो तो निकलेगा भर के तार, वो सब भी कैंसर कॉजिंग होते हैं, ठीक है। दीज ऑल आर केमिकल्स एंड नॉट टू फॉरगेट बिस्फिनॉल ए। बिस्फिनॉल ए ये किस में पाया जाता है गाइस? प्लास्टिक में। किस में पाया जाता है? प्लास्टिक में, ठीक है। तो जो लोग गर्मा गर्म चाय वो प्लास्टिक के कप में घोल के पी रहे हैं ना बच्चा, सिर्फ आप चाय नहीं पी रहे हो, आप उसके साथ प्लास्टिक भी ले रहे हो, एंड दैट प्लास्टिक इज कैंसर कॉजिंग। यस यस यस। तो प्लास्टिक की चीजों में गर्म चीजें भरना पहले तो बंद करो, ठीक है, बहुत जरूरी है आपके लिए। फिर आते हैं बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में सबसे पहले आपको देखना है ऑन्कोजेनिक वायरसेस। ये वायरसेस सोटोएजीन्स यानी प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट करता है। प्रोटो ऑन्कोजीन वो है जो सोता हुआ कैंसर जीन है, उसे उठा दोगे तो कैंसर हो जाएगा। उठाने वाला सदस्य कौन है? ऑन्को वायरस। सो दीज आर द थिंग्स विच कैन एक्चुअली कॉजेज कैंसर, जिससे आपको बहुत बहुत दूर रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, yes, site symptoms and metagenesis. You can see these are the sites where most of the cancer occurs, like brain cancer, respiratory mein lungs aa gaye, skeleton mein aapki bones aa gayi, liver. So these are the all data that you need to study ki kaise DNA damage ho raha hai, kaise genetic alterations ho rahi hain, theek hai, bilkul sahi. जैसे डीएनए रिपेयर जीन्स होते हैं आपके, अगर वो डीएनए रिपेयर जीन्स खराब हो गए हैं तो आपके जो कैंसर सेल्स बनेंगे वो म्यूटेटेड टाइप बनेंगे, विच कैन एक्चुअली लीड टू कैंसर। सो कैंसर सेल्स आर बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं गाइस। ये क्यों अनडिफरेंशिएटेड है? क्योंकि रैपिड ग्रोथ है। जब ग्रोथ रैपिड होगी तो मैच्योरेशन का टाइम तो मिलेगा ही, तो इसलिए ये सेल्स हो जाते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द नीट। टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट अभी की अभी। नेक्स्ट, यस, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। कैसे डिटेक्ट करें कि कैंसर हो रहा है? फर्स्ट इज बायोप्सी। बायोप्सी में क्या करते हैं गाइज? हम जो भी सस्पेक्टेड कैंसरस टिश्यू है, जैसे यहां पे कैंसर होने वाला है ऐसा आपको लग रहा है, डॉक्टर को लग रहा है, वहां से कुछ टिश्यू निकालना है, पेट्री डिश में ग्रो करना है, कॉन्टैक्ट इनिबिशन नहीं शो करेगा, मतलब कैंसर हो चुका है, ठीक है। अगर ब्लड कैंसर है तो जस्ट गो फॉर द सेल काउंट। अगर सेल काउंट नॉर्मल से बहुत ज्यादा है तो मतलब कि कैंसर हो चुका है। रेडियोग्राफी टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी मीन सीटी स्कैन कर सकते हैं ऑर्गन्स का, एंड द बेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे इज एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जहां पे हम मैग्नेटिक वेव्स यूज करते हैं टू नो कि कैंसर कहां तक पहुंच चुका है, हम ये भी पता कर सकते हैं। तो ये महंगी भी है बट बहुत अच्छी भी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यस, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं डिटेक्शन के लिए एलाइजा। यस, हम यहाँ पे एंटीबॉडीज यूज करते हैं। नाउ एंटीबॉडीज बाइंड टू कैंसर सेल एंड क्लंप देम टुगेदर अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। जो कैंसर वायरसेस से होते हैं अक्सर उनके लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट, नाउ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? अगर बेनाइन ट्यूमर है तो सर्जरी करके बाहर निकाल फेंको। रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में गाइस हम क्या करते हैं, देखो बहुत ध्यान से सुनना है इसको। रेडियोथेरेपी में हम आइसोटोप ऑफ आयोडीन यूज करते हैं 131, ठीक है। ये हम यूज कर रहे हैं फॉर थायरॉइड कैंसर, टू ट्रीट थायरॉइड कैंसर। तो इस तरीके से हम कैंसर सेल्स मारते हैं थायराइड के यूजिंग I-31, दैट इज आइसोटोप ऑफ आयोडीन। कीमोथेरेपी में हम कैंसर सेल्स को मारते हैं यूजिंग केमिकल्स और ड्रग्स, ठीक है। केमिकल्स और ड्रग्स यहां पे कौन से हो सकते हैं? विनब्लास्टिन, विनब्लास्टिन, ठीक है। दूसरी कौन सी हो सकती है? विनक्रिस्टिन, विनक्रिस्टिन, ये सारे ड्रग्स हो सकती हैं। ये दोनों ड्रग्स कहां से आती है? विंका रोजिया प्लांट से। कौन से आते हैं? विंका रोजिया प्लांट, इसको भी यूज करते सकते हैं। एक और आती है टैक्सोल, जो आती है टैक्सस बकाटा, एंजियोस्पर्म है ये। ये सारी आप यूज कर सकते हो ड्रग्स टू किल द कैंसर सेल्स, इससे बाल झड़ने भी शुरू हो जाते हैं। इम्यूनोथेरेपी जहां पे हम यूज करते हैं इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स टू किल cancer cells. So take the screenshot guys, very very important, take the screenshot
कैंसर सेल्स को किल करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इंटरफेरॉन्स, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी में हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं टू किल द कैंसर सेल्स, रेडियोथेरेपी में हम आइसोटोप ऑफ आयोडीन यूज कर रहे हैं टू किल द थायराइड कैंसर सेल्स. टेकन द स्क्रीनशॉट पक्का. चलो नेक्स्ट. ओके दैट्स इट. तो कैंसर, आई होप यू लाइक द कैंसर टॉपिक. बहुत जल्दी से हमने कवर किया कैंसर टॉपिक, तो ऐसे क्विक क्विक रिविजन होते जाएंगे टॉपिक्स के 11, 12 के, तो बहुत इजी हो जाएगा पूरा सफर. राइट गाइज, तो सफर को और इजी करने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए, ना भूले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, ठीक है? एंड क्यों घबराना है परिवार का सदस्य बनने से, फटाफट से बन जाओ यारो. करना क्या है, ये हमारा चैनल है, लाइक करना है, हर वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है हमारे प्यारे से परिवार को. राइट, यस, हमारा प्यारा सा परिवार है जो आपको सब्सक्राइब करना है अपडेटेड रहने के लिए, हर एक वीडियो देखने के लिए. और हमारा जो सपना है कि हम सिलेक्शन दे बच्चों का, वो साकार करने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन. राइट, बाय गाइस, टेक केयर एंड आई विल बी बैक सून. मिस मी गाइस, मिस मी. Bye.